हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 10 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो आया है ग्लोबल टाइगर फॉर्म के बारे में। तो ग्लोबल टाइगर फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, GTF है, ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि किस तरह की बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है। ये इफेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इंटर गवर्नमेंटल ग्लोबल टाइगर फॉर्म है, इसको बेसिकली 1993 में बनाया गया था। देखो हुआ क्या था, 1993 में इंटरनेशनल सिम्फोजियन ऑन टाइगर कंजर्वेशन हुआ था, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और उसी के तहत टाइगर को कंजर्व करने के लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ग्लोबल टाइगर फॉर्म है वो आया था। अब देखो, इसमें एक दो फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। एक तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि इसमें केवल टाइगर को ही नहीं, टाइगर की जो बाकी सब स्पीसीज होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि चीता हुआ तो वो भी टाइगर की सब स्पीसीज में आता है, पेंथर होता है वो भी टाइगर की सब स्पीसीज में आते हैं। बेसिकली टाइगर है ये बिग कैट फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा होगा काफी बार। तो उसमें 5 सब स्पीसीज हैं, उनको बेसिकली फोकस है और वो किया गया है। और जो ये टाइगर हैं, ये बेसिकली देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में 13 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको बेसिकली 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन से, एक बार हम थोड़े वो देख लेते हैं। टाइगर रेंज कंट्रीज वो हैं जहाँ पे बेसिकली टाइगर वो नॉर्मली फ्रीली घूम सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसा एरिया नहीं कि जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, मतलब वो एरिया जहाँ पे टाइगर फ्री है। ऐसा नहीं कि जू वू में, जू वू के अलावा जो एरिया जहाँ पे टाइगर फ्री घूम सकते हैं, उन कंट्रीज को बेसिकली टाइगर जोन के नाम से आप जानते हैं। तो देखो बेसिकली बात करें तो एशिया का काफ़ी एरिया है, जैसे हम बात करें साउथ एशिया के अंदर इंडिया आ जाते हैं, इसके साथ पाकिस्तान का भी कुछ बेल्ट है। इसी के साथ ही हम बात करें साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ हैं, वो है चाइना यहाँ पे हो गया है। तो ये कंट्रीज़ बेसिकली इसमें इंक्लूड हैं, वो होती है, कुछ पार्ट रशिया का भी है। इसके साथ ही सेंट्रल एशिया में भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें बेसिकली बिग कैट फैमिलीज हैं और पाई जाती हैं, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब UPSC क्या करेगी, UPSC आपको एग्जाम में ऑप्शन दे तो ऐसा तो नहीं है आपको सारी कंट्रीज़ रटने बैठना है। आपको बस ये जैसे ऑप्शन दे देगी आपके सामने, एक दे देगी आर्मेनिया, तो आपको पता है कि आर्मेनिया तो यूरोप में, वहाँ पे तो कोई लिंक ही नहीं है। तो इस तरीके से UPSC ऑप्शन है वो दे सकती है। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि टाइगर कहाँ कहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं। तो बेसिकली एशिया वाला जो एरिया है इसमें टाइगर है वो मेनली फ्रीली घूम सकते हैं, तो वो टाइगर रेंज कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल टाइगर फॉर्म क्या करता है, एक तरीके से जो पॉलिसी है इनमें कोऑपरेटिव टाइप की पॉलिसी बनाने के लिए, इसके साथ ही टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉमन अप्रोच है उनको इम्प्लीमेंट करना, और टाइगर के लिए कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चलाना, ये सारे काम बेसिकली इसके द्वारा किए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका यह है कि ग्लोबल टाइगर फॉर्म है, इसकी जनरल असेंबली की मीटिंग है वो हर 3 साल में एक बार होती है, और जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है वो साल में एक बार है वो बेसिकली होती है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जनरल असेंबली की मीटिंग हो 3 साल में एक बार, और जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी मीटिंग होती है साल में एक बार, तो एटलीस्ट मिलते ही हैं वो। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में, जिसके बारे में हमने कल इवनिंग में क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो देखो एक फैक्ट ये ध्यान रखना, इंडस रिवर डॉल्फिन है वो इंडस रिवर में पाई जाती है, बट ये बेसिकली पाकिस्तान वाले एरिया में जो इंडस रिवर फ्लो करती है ना उसी में पाई जाती है, ना कि इंडिया में। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडस रिवर डॉल्फिन है वो इंडिया में पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। आप कई बार सोच लो कंफ्यूज होकर कि यार इंडस रिवर तो इंडिया में बहती है सिंधु नदी, तो उसमें पाई जाती होगी, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली ये जम्मू एंड कश्मीर का वाला एरिया है और यहाँ से इंडस रिवर ऐसे फ्लो करते हुए पाकिस्तान से होकर बहती है, तो ये बेसिकली जो पाकिस्तान में जो मैक्सिमम हिस्सा बहता है उसमें ही बेसिकली ये जो डॉल्फिन है ये पाई जाती है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और IUCN की है इंडेंजर लिस्ट में शामिल की गई है, ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। बाकी लेंथ वेंथ तो कुछ काम की हमारे यहाँ पे नहीं है। देखो आपको पता है कि पहले जो इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान में जो डेजर्ट वाला एरिया है आज के टाइम पे, वहाँ पे 33 सागर था। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो ये डॉल्फिन है इंडस रिवर की, ये पहले उस 33 सागर में थी, पर जब वो सागर खत्म हो गया वहाँ से, तो फिर ये धीरे धीरे इस इंडस रिवर में रहने लग गई। तो यह हमें ध्यान में रखना है। बट आज के टाइम पे इनको काफ़ी ज़्यादा खतरा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इंडस रिवर का जो पानी है, सिंधु रिवर का पानी, वो काफ़ी भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन और इरिगेशन सिस्टम में लिया जा रहा है, जिससे इनकी संख्या रेपिडली डिक्रीज है वो हो रही है। देखो जो इंडस रिवर डॉल्फिन है वो बेसिकली ठंड ताज़ा पानी होता है उसी में बेसिकली पाई जाती है, बट आज के टाइम पे पानी वहाँ पे काफ़ी ख़राब हो रहा है, काफ़ी गंदला धुंधला पानी हो रहा है, तो उसकी वजह से ये वहाँ भी एक तरीके अब सर्वाइव कर रही हैं धीरे धीरे, बट इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से या रेपिडली कम है वो होती जा रही है।
तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये बेसिकली जो ब्लाइंड है वो होती है, ये इफेक्ट हमें पता होना चाहिए कि डॉल्फिन है वो बेसिकली ब्लाइंड टाइप की होती हैं। ये बेसिकली इको लोकेशन का यूज़ करती हैं लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, और जब ये बेसिकली जो प्रॉन है, कैटफिश है, क्रैब है, इनका शिकार है वो करती हैं। तो ये इफेक्ट हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली चांग ए फोर मिशन के बारे में। देखो जो चांग ए फोर मिशन है वो बेसिकली चाइना का है क्या इसमें? देखो चाइना ने बेसिकली मिशन लॉन्च किया है मून के लिए। मून का जो डार्क साइड वाला हिस्सा है जो हमें बेसिकली नहीं दिखता है, उस वाले एरिया की स्टडी के लिए बेसिकली ये जो आप बोल सकते हैं कि मिशन है वो लॉन्च किया गया है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि चाइना का बेसिकली एक एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम है जो कि मून का जो डार्क साइड है, जिसे बेसिकली साउथ पोल के नाम से जाना जाता है नॉर्थ मून का, उसकी स्टडी करने के लिए लॉन्च है वो मिशन किया गया है। और यह ध्यान रखना कि जो चांग ए फोर मिशन है वो बेसिकली वर्ल्ड का ऐसा पहला मिशन है जो मून की जो दूसरी साइड है, या आप बोल सकते हो कि जो साउथ पोल है मून का, वहाँ पे लॉन्च है या वहाँ पे एक तरीके से जाने वाला है। तो यह ध्यान रखना, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ पे होगी। तो ये कुछ फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि पहली कंट्री ऐसी चाइना जिसने अभी ऐसा मिशन है वो लॉन्च किया है मून की जो डार्क साइड है, जिसे बेसिकली साउथ पोल के नाम से जानते हैं, वहाँ पे लॉन्च होगा। और जो इंडिया का मिशन है चंद्रयान 2, वो भी बेसिकली साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग है वो करने वाला है, जो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, बट ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कॉरपोरेशन कॉम्पैक्ट। देखो सीधी सी बात है कि पहले है क्या हम वो देखते हैं। जिस तरीके से देखो आपको पता है कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक फ्रेमवर्क बना रखा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, यूएनएफसीसी हो गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ। तो इस तरीके की काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस है, काफ़ी सारी कन्वेंशन है, मतलब किसी न किसी सेक्टर से निपटने के लिए यूएन ने एक अपनी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, एक पर्टिकुलर अपनी एजेंसी एक तरीके से बना रखी है। बट आपको पता है कि टेररिज्म की ना तो कोई इंटरनेशनल डेफिनेशन है और ना ही टेररिज्म को लेकर कोई इंटरनेशनल लेवल पर एक साथ जॉइंट रूप में काम है वो किया जा रहा है। तो इसी दिशा में यूएन ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, या यूएन ने कॉम्पैक्ट स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट। मतलब यह टेररिज्म से निपटने के लिए बेसिकली एक तरीके का कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित किया जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि कॉम्पैक्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, मतलब टेररिज्म से निपटने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि पीस, शांति और जो सिक्योरिटी है उसको प्रमोट किया जाए, इसके साथ ही मानवता है और ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे करने के लिए ये बेसिकली कॉम्पैक्ट वो साइन हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक यहाँ पे फैक्ट और है। देखो 2018 का जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है जो कि लॉन्च किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, यूपीएससी ये पूछ सकती है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स वो किसके द्वारा जारी है, वो किया गया है न्यू एनमेसनी, तो पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स में देखो काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। क्या बात है ये? इस जो ये इंडेक्स है इसमें ये बात सामने आई कि जो टेररिज्म के जो केस है ना वो एक्चुअली 27% कम हुए हैं ऑल ओवर में। तो ये ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट में ये आया कि टेररिज्म के 27% केस वो कम तो हुए हैं, बट फिर भी टेररिज्म के जो मामले हैं ना वो बढ़ रहे हैं। मतलब काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का जो टेररिज्म आतंकवाद है वो बढ़ रहा है। बात करें तो 67 कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी रेपिडली अटैक की हैं टेररिज्म की वजह से, काफ़ी भारी तबाही है वो फैली है, जैसे कि जिसमें सीरिया भी एक शामिल है वो हो जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि टेररिज्म के वैसे जो केसेस हैं वो तो कम हुए हैं, बट जहाँ भी टेररिज्म है वहाँ पे काफ़ी तीव्र गति से फैल रहा है, तो काफ़ी जानमाल के नुकसान है वो हो रहा है। और बात करें लास्ट 20 सालों में तो टेररिज्म ने एक सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो तैयार किया कि टेररिज्म बहुत तेज़ी से पनप रहा है। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ सकती है कि पिछले कुछ सालों से टेररिज्म वो कम हुआ है या टेररिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई लगातार बढ़ रहा है बट जो डिक्रीज है इनका रेशियो उसमें कमी आई है। तो ये फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है स्कॉच अवार्ड को लेके। सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बेसिकली स्कॉच अवार्ड के लिए भी नॉमिनेटेड है, उसको एक तरह से अवार्ड है वो दिया जाना है। क्यों दिया जाना है स्कॉच अवार्ड वो भी हम देखेंगे, और स्कॉच अवार्ड है क्या वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया हमारे देश में। उसने अभी बेसिकली काफ़ी क्रिटिकल रोल अपना निभाया है। हमारे देश में 73 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, उसको डेवलप की है, तो इसलिए इसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित है वो किया जा रहा है। हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया है वो वर्ल्ड में फोर्थ कंट्री है जिसने विंड एनर्जी की कैपेसिटी को डेवलप है वो किया है। मतलब इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ कंट्री है विंड एनर्जी के मामले में,
और बात करें इंडिया की सोलर और टोटल एनर्जी कैपेसिटी के बारे में वर्ल्ड में इंस्टॉल की है उसके मामले में, तो इंडिया 5th नंबर पे है। मतलब इंडिया ने वर्ल्ड में 5th नंबर पे सोलर एनर्जी को एक तरीके से इंस्टॉल है, सोलर प्लांट है वो लगाए हैं। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखना। यूपीएससी पूछ सकती है पहली कंट्री है, सेकेंड कंट्री है इंडिया, तो भाई ऐसा नहीं है, इंडिया 4th नंबर पर और एक में 5th नंबर पर, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि विंड एनर्जी के मामले में इंडिया 4th नंबर पर है। देखो स्कॉच अवार्ड है वो बेसिकली स्कॉच ग्रुप के द्वारा दिया जाता है जो कि एक थिंक टैंक है। यूपीएससी यहाँ पूछ सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक थिंक टैंक है जो कि बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अगर फोकस किया जाता है तो उसके लिए ये काम है वो करता है, और 1990 से उनसे बेसिकली ग्रुप है वो काम कर रहा है। अब ये जो स्कॉच ग्रुप है इसके द्वारा एक तरीके से इंडिया में जो हाईएस्ट इंडिपेंडेंट सिविलियन ऑनर्स है उसका नाम है स्कॉच अवार्ड, तो ये ध्यान में रखना है। ये बेसिकली दिया जाता है गवर्नेंस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल सेक्टर के लिए, तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को जो अवार्ड दिया गया वो सोशल सेक्टर के लिए दिया गया है। अब जो स्कॉच अवार्ड है वो देखो बेसिकली जो गवर्नेंस है मतलब एक्सलेंस डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस है उस मामले में डिपार्टमेंट को दिया जाता है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी को ये अवार्ड है वो दिया जा रहा है। तो ये फैक्ट हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखने लायक हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो पहले तो हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, यानी कि FAO। देखो FAO है वो UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो यह ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर है वो इटली के रोम में है, इसको बेसिकली 1945 में बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। FAO का जो मेन गोल है, मेन टारगेट है वो ये है कि फूड सिक्योरिटी को अचीव करना, इसके साथ ही जो भूखमरी है इनसे निपटने के लिए बेसिकली काम हो करते हैं। मतलब मेन मोटो क्या है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी को हर कंट्रीज में अचीव किया जा सके, इसके साथ ही हाई क्वालिटी का फूड है सभी के द्वारा उसको एक्सेस है, सभी के द्वारा उसकी आवश्यकता से सब तक उसकी पहुँच हो हाई अच्छे फूड के साथ, तो वो बेसिकली FAO का मेन टारगेट है, मेन गोल है वो रखा गया है। इसके साथ ही FAO की काउंसिल है उसकी भी मीटिंग हुई थी, उसको लेके कंटेक्स्ट है, तो कंटेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। बट जो FAO की जो काउंसिल है वो बेसिकली इसकी जो पावर्स हैं उन पर लिमिट लगाती है कि किस तरीके से इसको काम करना है, कोऑर्डिनेशन का काम है वो सारे काम FAO काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कंटेक्स्ट क्या था। कंटेक्स्ट ये था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ये 160वां सेशन है वो आयोजित हुआ था कहाँ पे, रोम में, और उसमें बेसिकली काफ़ी सारी बातें की गई, और उसमें अहम चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है 2023 में, वो इंडिया को बेसिकली यहाँ पे फोकस है वो किया गया है। देखो ये मिलेट क्या होता है पहले तो देखते हैं, मिलेट बेसिकली जो मोटा अनाज होता है उसको कहते हैं, जैसे कि जवार हुआ, बाजरा हुआ, रागी हुआ, तो माइनर जो मिलेट्स हैं ये बेसिकली इसमें काउंट होते हैं। मतलब जो मोटा अनाज होता है उसमें न्यूट्रिशंस काफ़ी अच्छे होते हैं, और एक तरीके से जो कुपोषण की समस्या हमारे देश में इससे निपटने के लिए काफ़ी अच्छा फूड है साबित हो सकता है। देखो आपने कभी एक चीज़ नोट की है कि इंडिया में जो कुपोषण की समस्या है, माल न्यूट्रिशन की समस्या, वो है ज़्यादा क्यों? उसका रीज़न एक ही है कि हमारे देश में जो फूड है ना उसकी जो हमारी थाली है बेसिकली हम देखते हैं जिसमें खाना खा रहे हैं उसमें फूड की डाइवर्सिफाई बहुत कम है। मतलब लोग क्या है कि एक ही खाने को ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि एक साइड अगर चपाती खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो रोटी पर फोकस किया जाता है, डाइवर्सिफाई नहीं है। जैसे कि आप देखो कि फॉरेन कंट्रीज में लोग क्या है, रोटी भी खा रहे हैं एग्जांपल, उसके साथ वो मतलब सलाद खा रहे हैं, इसके साथ में आप देखोगे वो राइस पका भी खा रहे हैं, और भी तरह की डिशेज है वो खा रहे हैं। मतलब वो अपनी थाली में बहुत सारे प्रोडक्ट को इंक्लूड करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि एक जो न्यूट्रिशंस है वो एक फूड में नहीं, वो दूसरे से उनको मिल जाते हैं। बट इंडिया में ये काफ़ी बड़ा इशू होता है, और इसकी वजह से हमारे देश में जो लोग अच्छा खाना खाते हैं एक तरीके से, मतलब हेल्दी खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी वो कुपोषण से पीड़ित होते हैं, तो ये एक अहम रीज़न होता है। तो जो मोटा अनाज होता है जैसे जो जवार, रागी हुआ, इनमें एक्चुअली कुपोषण से निपटने के काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं, और इसीलिए इंडिया है उसने बेसिकली मिलेट को प्रमोट करने के लिए 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर भी मनाया है वो है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी इंडिया ने बेसिकली FAO के सामने प्रस्ताव रखा था कि भाई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है वो 2023 को घोषित किया जाए इंडिया की साइड से, तो वो चीज़ FAO के द्वारा स्वीकार था, वो कर ली गई है। तो ये ध्यान में रखना है कि FAO के द्वारा अभी न्यूज़ में क्यों था, मिलेट कौन सी चीज़ें को मिलेट है वो बेसिकली काउंट है वो होती हैं। इसी के साथ ही देखो गवर्नमेंट ने जो मोटा अनाज या जिसे हम मिलेट बोलते हैं इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हैं। पहले गवर्नमेंट जो MSP देती थी वो बेसिकली रबी की फसल पे देती थी, बट अभी गवर्नमेंट ने जो मिलेट के प्रोडक्ट हैं इन पे भी MSP इंक्लूड है वो कर दी है।
तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको अभी इस चीज़ की अनुमति दी गई है कि आप जो ज्वार, मक्का हुआ, रागी हुआ, इनको MSP के थ्रू किसानों से खरीदिए, क्योंकि इनसे हम हमारे देश में कुपोषण की समस्या से निपट सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी डिस्कशन थी वो थी। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।